1000 सब्सक्राइबर तो यार कोई भी कंप्लीट कर लेता है, लेकिन जो मुश्किल आती है वो आती है 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने में। वो हर किसी से नहीं हो पाता है, और अगर आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा तो आपका चैनल मोनेटाइज कैसे होगा, और अगर मोनेटाइज नहीं होगा तो पैसे कैसे कमाओगे आप? मालूम है तेरे बाप को। इस टॉपिक पर आपको हजारों लाखों वीडियो यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएंगे, और आपने यार देखी भी होंगी, लेकिन अगर आपने उन तरीकों को फॉलो किया है, क्योंकि ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं जो इस टॉपिक पर वीडियो बना रखे हैं वो आपको ज़्यादातर जो है मिसगाइड करते हैं, और अगर आपने उन तरीकों को फॉलो किया है तो यार मोनेटाइज तो दूर की बात है, आपका चैनल ही सस्पेंड कर देगा यूट्यूब। वो क्यों कर देगा? क्योंकि आपने थर्ड पार्टी के जरिए जो है वॉच टाइम इंक्रीज़ किया है। बहुत सारे यूट्यूबर जो आपको बताते हैं थर्ड पार्टी ऐप वेबसाइट्स के जरिए इंक्रीज़ करना बताते हैं, क्रोम पर आपको कुछ बता देंगे कि भाई इस वेबसाइट पर जाइए और अपनी वीडियो प्ले कीजिए और अपना वॉच टाइम बढ़ाइए, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो भाई आपका चैनल जो है सस्पेंड कर देगा यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब को भाई सब पता होता है कि आपने किस तरीके से अपना वॉच टाइम इंक्रीज़ किया है। तो भाई जेन्युइन तरीका क्या है, वही तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए आपको जेन्युइन तरीका बताता हूँ, और भाई 1 महीने के अंदर आप अपना वॉच टाइम इंक्रीज कर सकते हो, वॉच टाइम कंप्लीट कर लोगे उसके बाद अपना मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एकदम जेन्युइन तरीका है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए करते हैं वीडियो को। 4000 घंटे का वॉच टाइम जब कंप्लीट हो जाता है तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सिंपल सा तरीका तो सबको पता है, लेकिन आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम यार करना क्या है? तो अगर आपको जल्दी से वॉच टाइम बढ़ाना है तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा, जिसमें 4000 घंटे का वॉच टाइम आपको कंप्लीट करना पड़ता है। अगर हम इसे मिनट्स में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों ये निकल के आता है 240,000 मिनट्स। आपको 240,000 मिनट्स कंप्लीट करनी पड़ती हैं। तो इसे अभी हम साइड में रखते हैं, इसे बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हो तो यार आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, और आप मेहनत तो कर सकते हो ये तो मुझे पता है। तो आपको वो मेहनत क्या करनी है, आपको छोटी छोटी वीडियो जो बनाते हो ना वो नहीं बनानी है आपको। अब आपको बड़ी बड़ी मिनटों की वीडियो बनानी, जैसे मान लो आप बनाते हो 4 मिनट की, तो आप 4 मिनट की वीडियो नहीं 6 मिनट की 8 मिनट की वीडियो बनाइए, लेकिन हाँ लंबी वीडियो आपको बनानी है, लंबी ज़्यादा ज़्यादा मिनट्स की आपको वीडियो बनानी है, जिससे जितनी ज़्यादा लंबी वीडियो होगी जितनी ज़्यादा ज़्यादा मिनट्स की वीडियो होगी उतनी जल्दी आपको वॉच टाइम कंप्लीट होगा। वो कैसे होगा चलिए बता लीजिए। आपने एक 8 मिनट की वीडियो बनाई है, और 8 मिनट की वीडियो आपने बनाकर यूट्यूब पर अपलोड की है, जिस पर दोस्तों 50% का ऑडियंस रिटेंशन आ जाता है। 50% ऑडियंस रिटेंशन आने का मतलब आपकी जो वीडियो है 8 मिनट की, उसको लोग जो आपके व्यूवर्स हैं वो 4 मिनट तक देखी गई है। 50% का मतलब 8 मिनट का आधा हो गया 50%, तो 4 मिनट तक आपकी वीडियो देखी गई है लोगों के द्वारा, उससे ज़्यादा नहीं देखी है। 50% का मतलब यही है। अगर एग्जांपल देके बताऊँ, आप मान लीजिए आपने एक 10 मिनट की वीडियो बनाई है, उसे 50% लोगों ने देखा है, 50% का ऑडियंस रिटेंशन आ जाता है, तो आपकी वीडियो कितनी देखी गई है 5 मिनट तक देखी गई है। उसके आगे फिर लोग जो हैं बोर होते जा रहे हैं, उसके आगे बंद कर दिया है लोगों ने वीडियो। 60% का ऑडियंस रिटेंशन आ जाता है तो 6 मिनट तक देखी गई है। 70% का आ जाता है तो 7 मिनट तक देखी गई है। ये सब ऑडियंस रिटेंशन के बारे में आपको यूट्यूब स्टूडियो में जाके पता चल जाता है। तो मान लीजिए 8 मिनट की आपने वीडियो बनाई जिसमें 50% का ऑडियंस रिटेंशन आ जाता है, और आपकी 4 मिनट तक वीडियो देखी गई है, और आपके मान लीजिए आपको उसमें 60,000 व्यूज़ आ जाते हैं, 60,000 व्यूज़ आ जाते हैं और 4 मिनट तक आपकी वीडियो देखी गई है, तो आपका जो है वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है अगर उस पर 60,000 व्यूज़ आ जाते हैं। और अगर आप 8 मिनट की वीडियो नहीं बना सकते, तो मान लीजिए आपने 6 मिनट की वीडियो बनाई है जिसपे आ जाता है 50% का ऑडियंस रिटेंशन। ऑडियंस रिटेंशन कम और ज़्यादा भी हो सकता है, ये मैं एक एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ। जितनी ज़्यादा आपकी वीडियो अच्छी होगी, कंटेंट अच्छा होगा, उतना ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन आएगा, और जितना ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन आएगा उतनी जल्दी आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 मिनट की आपने वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड की है जिस पर 50% का ऑडियंस रिटेंशन आ जाता है, तो आपकी वीडियो पर कितने व्यूज़ आने चाहिए, 80 की अगर आपकी वीडियो पर 20 व्यूज़ आ जाते हैं 6 मिनट वाली वीडियो पर, तो आपका वॉच टाइम फिर भी कंप्लीट हो जाता है, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है। अब मेन बात यहाँ पर यह है, मोटी मोटी बात यहाँ पर यह है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लंबी वीडियो बनानी है, और आपको ऑडियंस रिटेंशन पर ध्यान देना है। जितना ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन होगा और जितनी ज़्यादा लंबी वीडियो होगी उतना ही जल्दी आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा। और ऑडियंस रिटेंशन अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान देना है वो भी आपको बता देता हूं। आपको अपने वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी क्वालिटी पर ध्यान देना पड़ेगा, वीडियो की क्वालिटी, और एडिटिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी होगी। हर एक सेकंड में भाई कुछ ट्रिक्स अपनाइए जिससे आपकी एडिटिंग जो है बहुत अच्छी हो जाए, और आपका जो व्यूवर्स है उसे मतलब स्किप बिल्कुल ना करे वीडियो को, जिससे आपका ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर स्किप नहीं करेगा बंदा। तो क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, एडिटिंग इंप्रूव कीजिए, और अपनी जो स्टोरी टेलिंग की जो है स्टोरी टेलिंग सीखिए, स्टोरी टेलिंग को अप्लाई कीजिए, अच्छी अच्छी कहानी बनाइए, थोड़ी हंसी मजाक भी आप कर सकते हैं, आपका खुद का तरीका एक डेवलप कीजिए। तो ये सब चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपको
ऑडियंस अटेंशन जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और जितना ज़्यादा हाई होगा उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो वीडियो वायरल होगी, तो वॉच टाइम आपका बहुत जल्दी से इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये सारी पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं, और भाई इस तरीके से आप अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। ये एकदम जेन्युइन तरीका है जिसे अप्लाई करके आप वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ये लाइक जरूर से करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और आप देख ही सकते हो भाई कितना सारा पसीना आ रहा है मैं आपके लिए गर्मी में मेहनत कर रहा हूँ। तो भाई आप भी मेहनत कर सकते हो सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके। तो मैं मिलूंगा एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।